मॉर्निंग. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट. नाउ टॉपिक इज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन. कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन लॉ इज अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टूगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाई मास. इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं. फर्स्ट नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस लॉ. नेम ऑफ साइंटिस्ट इज जोसेफ प्रॉस्ट. फर्स्ट नोट इट. नेम ऑफ साइंटिस्ट इज जोसेफ प्रॉस्ट इन 1799 हु डिस्कवर्ड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन. क्लियर. एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन अ प्योर केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल कंपाउंड जिसको हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, कंटेन्स द सेम एलिमेंट. कंपाउंड जो भी बने उसके एलिमेंट फिक्स होते हैं, ठीक है, सर्टेन एलिमेंट से ही वो कंपाउंड बनेगा. दूसरे किसी एलिमेंट को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो वो कंपाउंड नहीं फॉर्म होता है, ठीक है. जैसे एज फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑलवेज कंटेन कार्बन एंड ऑक्सीजन. वाटर ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. NH3 अमोनिया ऑलवेज कंटेन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. इट मीन्स केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट. कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, कार्बन के साथ आपको ऑक्सीजन ही कंबाइन करना है, ठीक है, दूसरे किसी एलिमेंट के साथ नहीं फॉर्म होगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास. इसकी मास को का प्रोपोर्शन फिक्स होना चाहिए. इसको हम लोग फिर एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे इसका प्रोपोर्शन फिक्स होता है. एज फॉर एग्जांपल वाटर, ओके, वाटर प्योर कंपाउंड एंड कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली. एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑलवेज कंबाइन इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन. डेफिनेट प्रोपोर्शन इज 1:8. 1 और 8 के ही प्रोपोर्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 मास के ही अकॉर्डिंग इसी प्रोपोर्शन में कंबाइन करना है, ठीक है. हाइड्रोजन 1 तो ऑक्सीजन 8, ठीक है. देन 9 ग्राम ओके वाटर इज फॉर्म्ड, ठीक है. वाटर हो गया 9 ग्राम. नेक्स्ट इफ 2 and 16, ठीक है, प्रोपोर्शन इज 2:16, 3:24, ओके. नाउ वी इफ वी सिंप्लीफाई देम, अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं 2 and 16 को, तो क्या होता है, 2 and 16 में 1 और 8 सिंप्लीफाई हो गया, 3:24 कितना हो गया, 1:8, ठीक है. इट मीन्स इन ऑल केसेज वी कैन सी हियर प्रोपोर्शन इज ऑलवेज 1:8. क्लियर. तो 2 सेंटेंस इज मस्ट हियर. फर्स्ट इज सेम एलिमेंट एंड सेकेंड इज कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन बाई मास. इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन. Law of constant proportion is also known as law of definite
लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। ठीक है, बहुत सारे लॉज हैं, लेकिन नाइन्थ क्लास में आपको केवल दो लॉ ही पढ़ना है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो दोनों लॉ को आप अच्छे से उसका डेफिनेशन विथ एग्जांपल, ठीक है, नेम ऑफ साइंटिस्ट सब पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन में जरूर आते हैं। और नेक्स्ट हम लोग फिर पॉइंट लेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है।